नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मतलब 3 अक्टूबर 2019 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो एज प्रिडिक्टेड इन द लास्ट माई मीन लास्ट वीडियो दैट इफ बैंक निफ्टी निफ्टी फॉल्स बिलो below 425, then it will fall in the region of 375 to 279। तो ये आज 310 तक आया है निफ्टी फ्यूचर। तो इधर ये लगता है, ये इधर ये सपोर्ट लिया है, तो इसके बाद इसका नीचे मतलब 285 के नीचे आएगा, तो फिर से ये 250 के नीचे जा सकता है, 11,250 के नीचे जा सकता है। उसके बाद 192 के नीचे जाएगा, तो ये फिर से 8600 का सकता है, 11,000 भी तो का सकता है। और अप ट्रेंड में इसको जाने का है, तो इसको 11,500 पहले इसको तोड़ना है, 11,500 के ऊपर जाना है, उसके बाद 11,582 हो सकता है, उसके बाद इस रीजन पे आ सकता है कि 11,682 क्रॉस करेगा तो वो 700 के ऊपर जा सकता है, 722 तक जा सकता है। तो इस एक्सपायरी में इतना पॉसिबल होगा क्या, तो लगता नहीं है। तो निफ्टी इधर से अभी जो स्थिति है, तो इधर से कुछ रिकवरी भी हो सकता है, और इधर जो मैंने ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा, तो इधर पीसीआर रेशियो 0.55 हो गया, तो और भी थोड़ा सा 50 के नीचे आ सकता है, मतलब निफ्टी और भी थोड़ा सा नीचे आ सकता है। 11,500 में इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस था, तो वो आके अभी नीचे ही आ गया, तो इसके बाद 11,600 में इसका रेजिस्टेंस है, 11,600 में इसका 11,500 में इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है, और 11,600 में इसका सेकंड रेजिस्टेंस है, और 11,300 में इसका रेजिस्टेंस है। 11,300 तोड़ेगा तो ये नीचे जा सकता है। इधर लॉन्ग बिल्ड शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, लगता है निफ्टी और भी कुछ नीचे आ सकता है। तो 300 के नीचे जाएगा तो ये 250-200 तक आ सकता है, 200 में इसका फिर से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसके बाद फिर से ये रिकवरी हो सकता है। और बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट देखूंगा, तो बैंक निफ्टी भी इधर जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि इस रीजन के नीचे मतलब 29,800 के नीचे जाएगा, तो ये इस रीजन पे आ सकता है, 28,700 के आसपास आ सकता है, 302 तक ये आ गया है, तो इसका ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी, ये जो 350 जाएगा तो 350 के ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जा सकता है, 29,900 तक जा सकता है। और कुछ लास्ट मिनट में कुछ बाइंग का प्रेशर आया है, इसका कुछ रिकवरी हुआ है, निफ्टी में भी ऐसा हुआ है, कुछ बाइंग का प्रेशर आया, कुछ रिकवरी हुआ है, तो इसका भी हो सकता है कुछ रिकवरी हो, लेकिन इसका और भी नीचे आ सकता है, उसके बाद ही वो रिकवरी ले सकता है। इधर भी ऑप्शन चेन में पीसीआर रेशियो 0.41 के आसपास हो गया है, इसका काउंटर ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन अभी भी इधर इसका 29,000 में इसका रेजिस्टेंस है, और 29,500 में इसका सपोर्ट है, 29,500 में, तो इसका इधर शॉर्ट बिल्डअप और इधर हैवी मतलब